Assalamualaikum student, I am Bilas. Today we will discuss some basic definition of trigonometric tafal. तकोनियाती तफाल की चंद बुनियादी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल, जिसे हम बाजू जाविया कहते हैं। तो डेफिनेशन है टू और मोर देन टू एंगल विच हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल साइड, दो या दो से ज्यादा जाविये जिनकी इब्तदाई और आखिरी बाजू हमारे पास क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो। लेट्स सी, हमारे पास एक सर्कल है, इसको हमने फोर इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मैं एक एंगल को क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ भी क्या हो रहा है, मीन कि ये हमारे पास जीरो डिग्री है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करें फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या से। सिमिलरली अगर इसको मैं टू टाइम क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, तो आप भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मीन इस लाइन पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जनरल फॉर्म हमारे पास एंगल के होते टू के पाई प्लस थीटा के, हमारा ये फॉर्म है, मीन कि इतने टाइम हमने उसको रोटेट किया, के अगर हमने वन किया तो यहाँ पे वन पुट करेंगे, टू पाई प्लस थीटा, अगर हम टू टाइम रोटेट करेंगे तो टू के साथ यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास फोर पाई प्लस क्या आ रहा है, थीटा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेटर एंगल। तो क्वाड्रेंट, देयर आर फोर क्वाड्रेंट, हमारे पास कितने रबे होते हैं, फोर रबे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर क्वाड्रेंट। फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। जीरो से स्टार्ट होता है, मीन कि ये हमारी एंड आ रहा है जीरो, और ये हमारा क्या है, कोटर्मिनल पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटल एंगल, यही है कि एंगल हमारा जो थीटा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो डिग्री, मीन कि थीटा प्लस जीरो डिग्री। सेकंड हमारे पास है 90 से 180, 90 प्लस 180, मीन पे कहाँ पे एंड हो रहा है, 180 से 270 डिग्री, 27 से कहाँ पे एंड हो रहा है एंगल हमारा, 360 पे एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणियाती तफाल कहते हैं। तो त्रिकोणियाती तफाल देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास जो त्रिकोणियाती तफाल होते हैं वो क्या होते हैं, छे। पहले हमारे पास होता है साइन, कॉस, टेन, सीकंड, कोसीकंड थीटा एंड कॉट थीटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मकूस ममासलते कहते हैं, साइन की जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास होता है वन ओवर कोसीकंड थीटा, और जो हमारे पास कॉस थीटा है इसका होता है वन ओवर सीकंड थीटा, और जो हमारे पास टैन होता है इसका रेसिप्रोकल होता है वन ओवर कॉट थीटा। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट है साइन ऑफ डिफरेंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। मुख्तलिफ रबों में हमने त्रिकोणियाती तफाल की क्या करनी है, कीमतें फाइंड करनी है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर फोर क्वाड्रेंट, हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, रबे होते हैं, फोर रबे होते हैं। तो फर्स्ट में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है सिक्स, ऑल सिक्स वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड में हमारे पास कौन सी पॉजिटिव होती है, साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में हमारे पास क्या होता है, कॉस। मीन के ग्रेटर देन का मतलब होता है कि एंगल डिग्री हमारा, मीन के जो एंगल आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। साइन का रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेकंट, वो भी पॉजिटिव होगा। टैन का कॉट वो थर्ड में पॉजिटिव होगा, और फोर्थ हमारे पास है साइन, तो इसका रेसिप्रोकल होता है मकूस होता है सिकंड। तो ये क्या होगा, रिमेनिंग फोर आल में रिमेनिंग फोर हमारे क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे नेगेटिव, मीन कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन को सिकंड पॉजिटिव, तो इसमें टेन लेस देन नेगेटिव टाइन का कॉट वो भी लेस देन, और सिमिलरली साइन, साइन लेस देन और सॉरी साइन कॉस, कॉस और सीकंड हमारे पास क्या, सिमिलरली यहाँ पे टेन पॉजिटिव है फोर में, यानी कि इसकी ट्रिग्नोमेट्री वो नेगेटिव होंगी, यहाँ पे फोर जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो क्या होंगी, मीन के साइन इसका रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव होगा, और रेसिप्रोकल ये हमारे पास ये भी नेगेटिव है, और टेन और इसका रेसिप्रोकल वो हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेफिनेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स हमारे पास आ रहा हो कॉस ऑफ थीटा और वाई हमारे पास आ रहा हो साइन ऑफ थीटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन के यही हमारे पास फॉर्म है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ट्रिग्नो ऐसे, यहाँ पे वाई आ रहा है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे
एक्स आ रहा तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई आ रहा तो यहाँ पे एक्स, मीन एक सर्कुलर फॉर्म में आ रही, एक्स से वाई, वाई से एक्स। सिमिलरली हमारे पास प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है जो मेन क्वेश्चन में भी हमने यूज करना है मेथड, वो हमारे पास है वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड जो आ रहा है हमारे पास, साइन की कैसे फाइंड करनी, कॉस की कैसे फाइंड करनी और टेन की। तो इसको हम क्वाड्रेटिक मीन के रबे से ही फाइंड करते हैं। तो ये तुम्हें पता है किस लाइन में बाकी, एक्स एक्सिस पे और ये वाई। तो एक्स एक्सिस, ये इसका मतलब है ये लाइन हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस, और ये चूंकि हाइट है तो ये क्या, ये लेट सी हमारे पास आर है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है आर के, पैथ बाय अप्लाइंग बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है जो वतर का मुरब्बा होता है बाकी दो मुरब्बे के इजला के वो क्या होता है, सॉरी मुरब्बे के जब मजमुए के बराबर होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये कैंसिल। हाइपोटेन्यूस का स्केयर जो हमारे पास होता है वो वतर हाइट का स्केयर प्लस बेस के स्केयर के इक्वल होता है। तो यहां से हमने लेट सी वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, साइन ऑफ थीटा। तो ये किसको शो कर रहे हैं, औ मीन हमारे पास होता है वतर, और सॉरी अमूद वा वतर, ये जो हाइट होती है ये हमारे पास होता है अमूद जिसे हम हाइट कहते हैं, ये हमारे पास होता है वतर जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये हमारे पास होता है कहेगा मीन के बेस। तो यहाँ पे फर्स्ट चेक करें हमारे पास क्या है, अमूद मीन के हाइट, वाय मीन बतर। हाइट हमारे पास किसको डिनोट कर रही है, वाय को, और ये जो हमारे पास बतर है हाइपोटेन्यूस वो किसको डिनोट कर रहा है, आर को। सिमिलरली अब हमारे पास कॉस की वैल्यू फाइंड करनी, कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोसेस कहो, कहो मीन बेस, कैदा, कैदा हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एक्स, और ये हमारे पास वाह बतर जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस ओवर आर। लास्ट में हमारे पास टेन ऑफ थीटा, तो टेन फाइंड करने के लिए हमारे पास अमूद हाइट ओवर बेस कायदा, हाइट हमारे पास वाई ओवर एक्स। लेट्स सी हमारे पास एक ऑर्डर पे आ जाता है क्वेश्चन भी, इस तरह के आएंगे हमारे पास टू वो थ्री। तो फर्स्ट ऑर्डर पे में ऑलवेज फर्स्ट नंबर हमारा एक्स, एक्स हमारा टू, और सेकंड नंबर हमारे पास वाई। तो ये आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है, आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स की वैल्यू हमारे पास टू का स्केयर है और वाई हमारे पास थ्री का स्केयर है, तो ये हमारे पास फोर प्लस नाइन तो थर्टीन आ गया।